안 됐었다. 또 됐었다. 또 와. 나라! आज इंतजार और तू दोनों खत्म हो गए। क्यों आतंकवाद ट्रेंडी टॉपिक है? कितनी फिल्में बनी आतंकवाद पर? कौन सी रियल बाप बेटी की जोड़ी आएगी नजर? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोस। दोस्तों, दिलवाले जो 1994 में आई थी उसका रीमेक बनने जा रहा है, जिसमें आतंकवाद से रूबरू कराया जाएगा। आपको बता दें कि आतंकवाद हिंसा का एक गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आज आतंकवाद एक सामाजिक मुद्दा बन चुका है। इसका इस्तेमाल आम लोगों और सरकार को डराने धमकाने के लिए हो रहा है। बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन, राजनीतिक और व्यापारिक उद्योगों के द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का समूह जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसने सबको परेशान करके रखा हुआ है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हर कोई इससे तंग आ गया है। आतंकवाद के मुद्दे पर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक कई फिल्में बनी हैं। इन फिल्मों ने हमें बताने की कोशिश की है कि आतंकवाद एक देश के लिए कितना घातक होता है। आज हम आपको ऐसी ही 5 फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को बड़े ही सही तरीके से समझाया है और साथ ही साथ उसमें फंसे लोगों के बारे में जानकारी दी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फिल्में इस लिस्ट में शामिल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म न्यूयॉर्क की। दोस्तों, साल 2009 में आई फिल्म न्यूयॉर्क एक स्पाई थ्रिलर मूवी है जिसका निर्देशन कबीर खान ने किया है। फिल्म के लीड रोल में कैटरीना कैफ, नील नितिन मुकेश और जॉन अब्राहम है। दूसरी फिल्म द अटैक ऑफ 26/11। साल 2013 में आई राम गोपाल वर्मा फिल्म इंडिया पर हुए बड़े आतंकवादी हमले की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। यह फिल्म 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले पर बेस्ड है। इस फिल्म में अभिनेता नाना पाटेकर पुलिस वाले की भूमिका में नजर आए थे। अब बात कर लेते हैं फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। यह फिल्म कश्मीर के उरी में आर्मी बेस कैंप पर हुए अटैक पर बनी है। इसमें बताया गया है कि किस तरह आतंकी हमले में 19 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इस फिल्म में विकी कौशल के साथ साथ यामी गौतम, परेश रावल भी लीड रोल में थे। अब बात कर लेते हैं अ वेडनेसडे के बारे में। नसरुद्दीन शाह की लीड रोल वाली फिल्म 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों पर आधारित है। इस फिल्म में बताया गया कि 4 आतंकवादियों को रिहा करने के लिए एक कॉमन मैन ने पूरे मुंबई में बम उड़ाने की धमकी दी है और जैसे ही 4 आतंकवादी रिहा होते हैं वो कॉमन मैन उन्हें बम से उड़ा देता है। 5वां ब्लैक फ्राइडे। ये फिल्म हुसैन जादी की किताब ब्लैक फ्राइडे द ट्रू स्टोरी ऑफ मुंबई बॉम ब्लास्ट पर बेस्ड है। इस फिल्म को 2007 में रिलीज किया गया। इस फिल्म में के मेनन के साथ साथ पवन मल्होत्रा, आदित्य श्रीवास्तव और इम्तियाज अली नजर आए थे। तो दोस्तों, ऐसे ही दिलवाले 2 में भी टेररिज्म को दिखाया जाएगा, जिसमें अजय देवगन के साथ उनकी बेटी न्यासा भी शामिल होने वाली है, जो रियल के साथ रील बेटी का भी किरदार निभाएंगी। आपको दिलवाले के रीमेक का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।